टेस्टी फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है टमाटर की चटनी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूँ हैं। 1 kg लार्ज साइज के टमाटर ले लिए हैं, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कलवंजी, 2 खाने के चम्मच चीनी, लहसुन चॉप 2 खाने के चम्मच भरकर। ऑयल मुझे चाहिए 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। स्लाइस करते हैं। अब इसके स्लाइस हम करेंगे बारीक बारीक। इसी तरह करके सारे मैं काट लूँ। टमाटर अब हमने सारे स्लाइस कर लिए हैं। एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म करके क्रश लहसुन, कलवंजी, इसको हम फ्राई करेंगे। सिर्फ इतना फ्राई करना है कि लहसुन की खुशबू आने शुरू हो जाए। लहसुन को मैंने कर लिया है, इसको हल्का सा फ्राई और इसमें साबुत सब्ज मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे। हमने इतना इसको पकाना है कि ये टमाटर सारे इसके अंदर गल जाएं। कवर करके दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे, सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक, चीनी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हल्की आंच करके पकाना है ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। कवर करके रख दूंगी। मैंने इसको इतना पकाया है कि ये बिल्कुल बिल्कुल मिक्स हो गया है और ये ड्राई हो गई है, बिल्कुल चटनी की फॉर्म में आ गया और इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये डन है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। एक मैंने सर्विंग बाउल ले लिया है, अब इसके अंदर ये चटनी सारी डिश आउट कर देंगे। मैंने डिश आउट कर दिया है। टमाटर की मज़ेदार सी चटनी तैयार है। आप ट्राई करें किस तरह से बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।